ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि नारायण भगवान की जय। कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक सास बहू ने कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया। सास कार्तिक नहाने तीर्थ राज जाने लगी तो बहू ने भी साथ जाने की इच्छा जताई। सास ने बहू को यह कहते हुए मना कर दिया कि अभी तुम्हारी कार्तिक नहाने की उम्र नहीं है, तुम बाद में जाना। ये कहकर सास तीर्थ चली गई। सास के जाने के बाद बहू ने कुम्हार के यहाँ से 33 मिट्टी के कुंड मंगवा कर रख लिए। वो रोजाना रात्रि में एक कुंड में पानी भरकर रख लेती और सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर कुंड को छत पर उल्टा रखकर विधि विधान से पूजा करती। इधर एक दिन सास के नथ नहाते हुए गंगा जी में गिर गई। उधर बहू हमेशा की तरह नहाते समय बोली, सास नहाए उंडे मैं नहाऊं कुंडे। उसी समय अचानक गंगा जी की धारा बहू के कुंड में आ गिरी। उसी धारा के साथ सास की नथ भी कुंड में आ गई। बहू ने कुंड में आई नथ को देखा तो वो पहचान गई कि ये तो उसके सास की नथ है। इस तरह दोनों को नहाते हुए पूरा एक महीना बीत गया। सास जब वापस लौटकर घर आई तो बहू ने सास की खूब आवभगत की। उसी समय सास ने देखा कि उसकी गंगा में खोई हुई नथ बहू ने पहन रखी है तो पूछा, ये नथ तुम्हारे पास कहाँ से आई? बहू ने पूरी घटना अपनी सास को बता दी कि कैसे उसके कुंड में गंगा जी की धारा आ गई थी और उसी धारा के साथ बहकर ये नथ उसके पास आई थी। सास को इस घटना पर बहुत आश्चर्य हुआ लेकिन वह चुप रही। कार्तिक स्नान के बाद सास ने ब्राह्मणों को भोजन कराने की इच्छा व्यक्त करते हुए बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। इस पर बहू ने आग्रह पूर्वक सास से विनती की कि माँ जी, आप 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हैं तो 2 मेरे भी जोड़ दें, क्योंकि मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। बहू की बात सुनकर सास ने फिर प्रसन्न किया, तुम कहाँ कार्तिक नहाई हो, गंगा तीर्थ तो मैं जाके आई हूँ। तब बहू ने सासू माँ को छत पर लेकर जाके कहा कि वो कुंड दिखाए जिसमें उसने कार्तिक स्नान किया था। सास ने देखा कि मिट्टी के कुंड सोने के हो गए हैं। ये देखकर सास ने बहू से कहा, बहू तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो गंगा की धारा कुंड में आ गई, सारे कुंड सोने के हो गए। मैं अहंकारवश तीर्थ गई थी लेकिन वहां भी मुझे कुछ नहीं मिला। तुमने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कार्तिक स्नान किया है इसलिए भगवान तुम्हें इतना सब कुछ यही दे रहे हैं। तो इस प्रकार अब सुनिए दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तीनों ही बड़े पराक्रमी और मायावी और वीर थे। एक दिन भगवान शिवजी के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध करके तीनों लोकों को मुक्त कराया। अपने पिता के कातिल से बदला लेने के लिए तारकासुर राक्षस के तीनों पुत्रों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी बोले, मांगो दैत्यराज पुत्रों, क्या मांगते हो? तारकासुर के पुत्रों ने अमर होने का वरदान मांगा और कहा कि हमें इस संसार में कोई नहीं हरा सके, किंतु ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम तीनों इस वरदान के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगो, मैं ये वरदान तुम्हें नहीं दे सकता। वो इसलिए कि इस धरती पर जो जन्म लेता है वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होता है, क्योंकि केवल मृत्यु ही सदाचारी है। जिसके बाद राक्षस के तीनों पुत्रों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, आप तीनों अलग नगरों का निर्माण करवाइए जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाए और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो वही हमारी मृत्यु का कारण हो,
ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी तीनों राक्षस पुत्रों को तथास्तु कहते हुए अंतर्दान हो गए। ब्रह्मा जी के कहने पर माया दानव ने उनके लिए तीन नगरों का निर्माण किया, तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव जी ने इन तीनों दानवों का नाश करने के लिए विश्वकर्मा से कहकर एक भव्य रथ का निर्माण करवाया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा व सूर्य उसके पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर आदि लोकपाल उस रथ के घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेष नाग उसकी प्रतंचा बने, स्वयं भगवान विष्णु बाण तथा अग्निदेव उसकी नोक बने। जब भगवान शिव उस दिव्य रथ पर सवार होकर त्रिपुरों का नाश करने के लिए चले तो दैत्यों में हाहाकार मच गया। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही त्रिपुर रथ के एक सीध में आए, भगवान शिव जी ने दिव्य बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। त्रिपुरों का नाश होते ही सभी देवता भगवान शिव जी की जय जयकार करने लगे। त्रिपुरों का अंत करने के लिए ही भगवान शिव जी को त्रिपुरारी भी कहते हैं। ये वद कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। इसी विजय की खुशी में सभी देवता मिलकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धरती पर आए और काशी में देव दिवाली मनाई। तभी से लेकर आज तक प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा की कथा संपूर्ण हुई। बोले श्री हरिनारायण भगवान की जय। अब जानिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, दीप दान, पूजा, आरती, हवन और दान का बहुत ही अधिक महत्व है। देव दिवाली के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा, व्रत और शुभ मुहूर्त में कथा का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल दान करना बेहद ही शुभ होता है। दरअसल चावल का संबंध चंद्र ग्रह से है, इसलिए कहते हैं कि ये शुभ फल देता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर को साफ रखना चाहिए। इसी के साथ ही घर के दरवाजे पर रंगोली बनाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष समृद्धि योग बन रहा है, तो इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत शुभ होगा। जल चढ़ाने के बाद 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। शिव जी का ध्यान करते हुए माता पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश जी और नंदी जी की भी आराधना करनी चाहिए। मान्यता है कि गंगा स्नान के बाद दीप दान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस दिन लोग विष्णु जी का ध्यान करते हुए मंदिर, पीपल, चौराहे, नदी किनारे बड़ा दिया जलाते हैं। गरम कपड़े, सरसों का तेल, तिल, काले वस्त्र आदि किसी जरूरतमंद को दान करें। इस दिन ब्राह्मण के साथ ही अपनी बहन, बहन के लड़के या लड़कियां, उनको भी प्रेम स्वरूप कुछ उपहार या अपने सामर्थ्य अनुसार दान देना चाहिए। अथा धन पाने की लालसा हो तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और जल का मिश्रण मिलाकर स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक के पास आम के पत्तों की तोरण जरूर लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी खुश होकर धन धान्य का आशीर्वाद देती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी जड़ के मिट्टी का तिलक लगाती हैं, तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। यही नहीं, ऐसा करने से जातकों को हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होती है। बोलिए श्री हरि सत्यनारायण भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो।
श्री हरि नारायण भगवान और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पे सदा सर्वदा बना रहे, जो श्री सत्यनारायण भगवान के सच्चे भक्त हैं और माता लक्ष्मी के श्रद्धा कृपा अपने घर पर जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में हरिओम नमो नारायणा जरूर लिखें। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियो सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी, व्रत त्यौहार पूजा पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।